यही कोशिश होती है कि हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं और उनसे बेहतरीन मशवरे लें ताकि हमारे काश्तकार उनसे और फायदा उठा सकें। आज मैं मौजूद हूँ मेंबर एसोसिएशन में और जो इधर डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिफ रहमान साहब, वो बड़े प्यारे इंसान दोस्त हैं, उनसे आज पूछते हैं कि इस वक्त मैंगो जो हमारी सबसे अच्छी खुराक है जूल बाजार की, उनमें जो दफा और अकसाम हैं जो सबसे सब नई अकसाम हैं अच्छी रेट उनके मिल रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें इनफॉर्म करें। अच्छा, मेरे को आपका सबसे पहले शुक्रिया शुक्रिया हम आपको वेलकम करते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हमारी नफा बाशो जी हैं, हमारी 4-5 वराइटीज हैं जो हमारी एक्सपोर्ट है, जिनका जिनके रेट भी मार्केट रेट भी अच्छे हैं, जिनमें हमारी नंबर वन पर सबसे पहले सिंगड़ी आ जाती है, सिंगड़ी के बाद हमारी चनाब रोड वराइटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारी समर ब्लू जींस है, उसके बाद हमारी लेट वराइटीज जो हैं जिसमें एक फैट मिक्सर या मामली आम फरमान में जो आपको भी कहते हैं, और एक लेटेस्ट वराइटी आई है जिसका बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अजीम मिक्सर है। ये हमारी 5 पीसेस वराइटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रखती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी है, मार्केट डिमांड भी है, और इसमें हमारी दुनिया की वर्ल्ड मार्केट में इनकी खपत भी है और हमें इनका रेट भी एक्सपोर्ट अच्छा मिलता है। ज़ाहिर है कि डॉक्टर मुसलमान फार्मर को पैसा चाहिए, अब उसमें आम तो लगाना है, वो ये देखें कि एक मन चौसा सुबह बाईस का क्या रेट है, एक मन जो खराब रोड है उसका क्या रेट है, तो ज़ाहिर है इसमें वो जहाँ तक आपके रेट के हवाले से है, तो रेट के हवाले से हमारे अगर देखा जाए चनाब रोड और सिंधी का रेट कंपेरिजन के अंदर इस वक्त समर ब्रिज जलसे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। समर ब्रिज जलसे का अगर रेट मार्केट में 4,000 रुपये टन मन जाता है, तो हमारा चनाब रोड और सिंधी का रेट 6,000 से 6,000 रुपये मन है, इतना डिफरेंस है इन वराइटीज में। हमारी लोकल मार्केट के हवाले से तो ये समर ब्रिज जलसा बड़ा पसंद किया जाता है, मगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल में अगर देखें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हमें ओवरकम करने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ा केयरफुली एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि समर ब्रिज जोन्स में स्टैमन रॉड का प्रॉब्लम आ जाता है, बॉडी रॉड्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसी तरीके से इसके कलर डेवलपमेंट के ये थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से इसके रेट में एज कम्पेयर टू चनाब रोड सिंधी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए अब इस वक्त मार्केट में चनाब रोड सिंधी के नई वराइटी में चनाब रोड हाँ इस वक्त लीडिंग वराइटी हमारे अच्छी लगती जाती है चनाब रोड लीडिंग। और इसका फ्रूट साइज़ क्या होता है सर? इसका फ्रूट साइज़ तकरीबन मिनिमम 700 ग्राम और इसका 100 केजी तक का इसका वेट है, जो स्टैंडर्ड वेट है। हमें किसी ने बताया कि अच्छा इससे भी ज़्यादा हुआ है, वो इससे भी इलाके जी दरिया के इलाके में ठीक है 1200 ग्राम तक चला जाता है, मगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं 700-1000 ग्राम तक इसको वन के जी तक हम कंसिडर करते हैं। जी अच्छा वो ट्रैवलिंग में कोई वो नहीं आता ट्रैवलिंग के हवाले से इसकी शेल्फ लाइफ सर मैंने जो स्टडी की है इसका मैंने एयर फ्रेट टेंशन भी चेक किया है इसका एटमिन टेम्परेचर और सी के हवाले से शिपिंग टेंशन भी इसका मैंने चेक किया इस वराइटी का। मैंने एयर फ्रेट एट एमबिन परसेंट 12 दिन तक आप इसको हार्वेस्ट करें और 12 दिन तक शेल्फ के ऊपर इसको कुछ भी नहीं होता है, ऐसा होते जैसे आप इसको ऐसा फ्रेश फ्रूट और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका इतना तो अगर आप सी के हवाले से शिपिंग पोटेंशियल हमने चेक किया कोल्ड स्टोरेज में 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करने के बाद इसका शिपिंग पोटेंशियल चेक किया तो उसका तकरीबन मैंने 28-36 डेज तक इसका पोटेंशियल है कि बाई शिपिंग हम किसी भी कंट्री में बाहर जापान और कोरिया में बाई सी अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो सर हम इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर इसके एक एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए? सर पहले एक टाइम था कि हम बड़े लिमिटेड तादाद पौधों की लगाया करते थे, अब जब के थोड़ा सा एडवांस और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हम हाई डेंसिटी के ऊपर तो नहीं जाते, तो मतलब हम मीडियम डेंसिटी के ऊपर 70-90 प्लांट्स हम रिकमेंड करते हैं। तो मतलब तो आप हम एक करते हैं हाँ जी 90 प्लांट्स के 72-90 प्लांट्स रिकमेंड करते हैं। ये प्लांट
वैसे ये साइज इसका अच्छा होता है। हाँ साइज मीडियम पेंसिल मार्कर उसमें इसकी प्रोडक्शन बड़ी करीब 300 किलो मार्क पर मतलब सामान्य प्रोडक्शन है पर फिर फ्रूटिंग भी काफ़ी है। हाँ जी फ्रूटिंग भी फ्रूटिंग साइज भी फ्रूटिंग जो इसके अंदर आर्टिफिशियल बेरिंग का प्रॉब्लम नहीं है रेगुलर बेरिंग रहती है हमारे हर साल आर्टिफिशियल से भी मोटा रहती है क्योंकि हमारे मेनू में फिनामिना पाया जाता है तो इससे बैटरी मिली हमारे लिए सर इस वैरायटी का आप कंपैरिजन रट्टे वाले के साथ इसलिए नहीं कर सकते या रट्टे वाले को एक तो रिकमेंडेड नहीं है सर ये सभी अजीम अजीम क्योंकि ये हमारे सर एक्सपोर्ट चेन थी हमारी एक्सपोर्ट चेन में ऐसे हुआ करता था एक्सपोर्ट चेन में सिमरी आता था उसके बाद गैप आ जाता था फिर समर फिर सफेद चौंसा आता था फिर फर्दर आगे कुछ नहीं था मगर चिनाब बोर्ड ने सिंधी के बाद जो समर भेजा और सिंधी के दरमियान गया था चिनाब बोर्ड ने उसको कवर किया और हमारी एक्सपोर्ट चेन को सर जो अजीम तो सरटे वाले की आप बात कर रहे हैं ना सर इसने हमारी एक्सपोर्ट चेन को एक्सटेंड कर दिया है तो स्टिल अक्टूबर तक स्टिल अक्टूबर तक पहले हमारा लिए हमारा जो होता था सफेद डोसा सितंबर तक एंड हो जाता था मगर सर इसकी बेलिंग हैबिट ऐसे है फ्रूट फ्रूट मतलब प्लांट्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखता है हम अक्टूबर तक अजीम चौंसा अजीम चौंसा इससे हमारे एक्सपोर्ट विंडो को एक्सटेंड किया है और हम इससे वो लेट तक अक्टूबर तक सर हम इसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों में अपनी अपनी अहमियत है। हाँ जी इनका आप इन दोनों वराइटीज को आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते वो अर्ली मिड वराइटीज में कंसिडर होती है हमारी लेट वराइटीज है मगर दोनों एक्सपोर्ट लीडिंग वराइटीज है। ये हमारी अजीम चौंसा यूरोप में और यूके में सर बहुत जबरदस्त किस्म की वराइटी इसको पसंद किया जाता है वो मीडियम साइज पसंद करते हैं इसलिए इसलिए इस वराइटी का बड़ा पोटेंशियल है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बार जो अगली में हमें फायदा दे जाता है वो मगर बड़ी तेजी से चुनाव को नई कॉम्पिटिशन के अंदर प्रेफर किया जा रहा है उसका बड़ा तेजी से आप मजीद बढ़ता जा रहा है। बीमारियों वगैरह सारा वो बीमारियों के हवाले से ये है कि इन सिमड़ी के अंदर और चुनाव बोर्ड के अंदर क्योंकि टी एस एस के बाहर मिठास कम है इसी हवाले से इसके अंदर बीमारी भी कम आती है। इसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की वजह यही है कि बाहर पसंद भी इसलिए जाता है इसके टी एस एस हमारे समर ग्रुप चौंसा के मुकाबले में कम है और इसके ऊपर इसी वजह से मिठास कम होने की से बीमारी भी कम होना होगी और इसका एक्सपोर्ट कम पसंद जी जी शेल्फ लाइफ भी इसी वजह से इसकी अच्छी है। आपकी बेहतरीन जो है इंफॉर्मेशन फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है तो ये थैंक यू सारे फार्मर जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारी उन्होंने हिदायत दी है और इसे इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नफा पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।